मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कॉमर्स कॉलेज में अनूठा मामला सामने आया, जहां एक तरफ सरकार नई शिक्षा नीति को लागू कर छात्रों के ऊपर दबाव कम करने और शिक्षा का स्तर बढ़ाने की बात कर रही है, वहीं नई शिक्षा नीति के परिणामों ने सभी को चौंका दिया। बीकॉम फर्स्ट ईयर के आधे से ज्यादा बच्चे फेल हो गए हैं, इसलिए बाद नई शिक्षा नीति पर भी सवाल उठाना लाजमी है। इसे को लेकर छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद कॉलेज के डीन प्रोफेसर बीएल वर्मा ने छात्रों से डिफॉल्टर राशि न जमा कराने की बात कही। इस पूरे मसले पर देखिए उदयपुर न्यूज के खास सहयोगी मयूर जोशी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। इस वक्त हम लोग विश्वविद्यालय के कॉमर्स कॉलेज में यहाँ पर आए हुए हैं, जहाँ पर अचंभित करने वाले परिणाम यहाँ देखने को मिले हैं। जी हाँ, नई शिक्षा नीति यहाँ पर लागू हुई थी और पहली बार परीक्षा यहाँ हो रही थी, जिसमें इंटरनल परीक्षाओं के रिजल्ट ऐसे आए हैं जो सभी को चौंका दिया है, क्योंकि 700 बच्चे बीकॉम फर्स्ट ईयर में यहाँ पर उन्होंने प्रवेश दिया था, जिसमें 350 बच्चों से ज्यादा बच्चे यहाँ पर फेल हो गए हैं। तो तमाम लोगों में और छात्रों में आक्रोश है। छात्र नेताओं से भी संवाद करेंगे और डीन सर से भी बात करने की कोशिश करेंगे और छात्रों से भी मुखातिब होंगे, पर नई शिक्षा नीति को समझना जरूरी है कि नई शिक्षा नीति है क्या। नई शिक्षा नीति छात्रों, जो बढ़ते हुए आत्महत्या का प्रयास छात्रों के द्वारा हो रहा था, तो उनके दबाव को कम करने के लिए नई शिक्षा नीति यहाँ पर लागू की गई थी, पर दबाव की जगह तो ऐसा खतरनाक खेला यहाँ पर हो गया है कि आधे से ज्यादा बच्चे यहाँ फेल हो गए, और वे बच्चे फेल हुए हैं जो कभी अभी हाल ही में सीए के एग्जाम जो हुए थे, एंट्रेंस एग्जाम उन्होंने डायरेक्ट क्लियर किया था, और अभी वे कॉलेज की परीक्षाओं में फेल हो गए। तो तमाम लोगों में यहाँ आक्रोश है, ये किस तरह की शिक्षा नीति और क्या खेला यहाँ पर चल रहा है, यह सवाल या निशान खड़ा करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर भी कि किस तरह का उनका शिक्षा का स्तर है। तो तमाम लोगों से मुखातिब होंगे, पूरा खेला आपको दिखाएंगे विद योर फ्रेंड मयूर अलबेला। ये नई शिक्षा नीति क्या है और इसका विरोध क्यों किया जा रहा है यहाँ पर? नई शिक्षा नीति, नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके अंदर जो पास कोर्स के अंदर जो कोर्सेज हुआ करते थे उन सबको अब सेमेस्टर वाइज कर दिया है। सेमेस्टर वाइज क्या है, उसके अंदर हर बच्चे को सेमेस्टर वाइज एग्जाम देने हैं, जिसके अंदर एक इंटरनल एग्जाम होगा पहले जो 20 नंबर होगा, उसमें 8 नंबर लाना कंपलसरी और उसमें भी पास होना जरूरी है, और एक एक्सटर्नल होगा वो 80 नंबर का होगा, उसके अंदर 28 नंबर लाना और जरूरी है और उसमें भी पास होना जरूरी है। तो कल जो कॉमर्स कॉलेज के इंटरनल का रिजल्ट आया बीकॉम फर्स्ट ईयर का, जो कॉमर्स कॉलेज में लगभग बीकॉम फर्स्ट ईयर में 750 एनरोलमेंट है, उसके अंदर कम से कम अकाउंट्स और बिजनेस और लैब वाले सब्जेक्ट में अंदर कम से कम 300 से 400 बच्चे को फेल कर दिया गया। जिन बच्चों ने सीए का फाउंडेशन एक अटेम्प्ट में क्लियर किया, वो बच्चों को उनको कॉलेज द्वारा अकाउंट्स के पेपर में फेल कर दिया, तो उन बच्चों ने ये विरोध जताया कि मैं फेल हो ही नहीं सकता हूँ, मेरी कॉपी निकाल के बता दो। तो आज जब हम डीन सर से मिले और उनको इस चीज़ का विरोध जताया, तो उन्होंने इस चीज़ का आश्वासन दिया है कि रिजल्ट विश्वविद्यालय की वेबसाइट से हटेगा, रिजल्ट आज शाम तक वापिस जारी होगा उस रीचेक होके, और सारे रिजल्ट को वापिस जारी किया जाएगा। और जो फीस थी जो डिफॉल्टर की 500 रुपये, उसके लिए हम बोला है कि एक बच्चे जैसे दूसरे कोर्सेज के अंदर एक सब्जेक्ट में अगर डिफॉल्टर बनना है तो उसकी फीस सिर्फ 200 रुपये होती है, पर उसकी जगह आज 500 रुपये एक बच्चे से लिया जा रहा है महाविद्यालय द्वारा, तो उसके लिए भी बोला है। पर जो एकेडमिक काउंसिल के अंदर जो फीस तय हुई है अभी फिलहाल वही रहेगी, अगले साल से अगर ऐसा कुछ होता है तो उस फीस में बदलाव किया जाएगा। धन्यवाद। नई शिक्षा नीति वो नीति है जिसे पुराने को बदल कर जो नई शिक्षा नीति बनेगी उसे नई शिक्षा नीति कहते हैं, जो इस साल से लागू की गई, जो भी पास कोर्स थे यानी सेमेस्टर में लागू कर दिया गया, जो भी यूजी पीजी के जितने भी पाठ्यक्रम है उन सबको सेमेस्टर पद्धति से अब उनकी परीक्षाएं ली जाएंगी। कॉमर्स कॉलेज में ये पहला सत्र है जिसमें नई शिक्षा नीति के तहत जो परीक्षाएं हो रही है, जिसमें इंटरनल जो आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा कहते हैं जिसे, और एक्सटर्नल जो 80 नंबर की होती है, इंटरनल में पहले ही चरण के अंदर 700 में से तकरीबन 350 छात्र फेल है, तो नई शिक्षा नीति मुझे कहीं ना कहीं गर्त में जाती हुई लग रही है और इन छात्रों का भविष्य कहीं ना कहीं बर्बाद होता हुआ दिख रहा है। विरोध आप लोग आज यहाँ विरोध तो मुझे ऐसा लगता है एक अवैध लूटमार का एक अच्छा मार्ग है, जिसमें यानी अगर 400 बच्चों से अगर 500 रुपए के माध्यम से डिफॉल्टर की फीस ली जाती है तकरीबन वो 2 लाख रुपए होती है, तो ऐसे हर सेमेस्टर में करने के तो यानी एक ही इंटरनल परीक्षा में भी यूनिवर्सिटी को 10 लाख का राजस्व हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये अवैध लूटमार है। और जबकि बच्चे इतने छात्र इतने कॉन्फिडेंस में वो कह रहे हैं हम किसी भी सूरत में फेल नहीं हो सकते, वो तो यूनिवर्सिटी पे सीधा ब्लेम लगा रहे हैं कि आप हमारी कॉपी चेक कर लो और हमें वापस आरटीए के माध्यम से हमारी कॉपी दे दो, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जिसपे हमने भी चर्चा की और जो भी डिफॉल्टर की फीस कट रही थी एक बार तो केस विंडो भी हमने बंद कराया और डीन साहब ने भी आश्वस्त किया कि अभी हम किस तरह की फीस नहीं ले रहे हैं, और उसके बाद जो अभी रिजल्ट जो उन्होंने कल जारी किया था उसको भी साइड से हटाया जा रहा है और एक कमेटी बनाकर इस पूरे जो भी घटनाक्रम हुआ उस पर
उसको जांच कर रहे हैं और उस पर कोई ना कोई जो पॉजिटिव जो स्टूडेंट के हित में जो भी होगा वो हर संभव काम करने का प्रयास करने का हमें आश्वासन दिया है। आज यहाँ पर विरोध दर्ज कराया गया नई शिक्षा नीति के तहत जो प्रैक्टिकल एग्जाम हुए उसमें आधे से ज्यादा बच्चे अनुत्तीर्ण हुए हैं, इस विषय पर क्या कहेंगे आप? बच्चों का हमें ज्ञापन मिला है विद्यार्थियों का, उस ज्ञापन के आधार पर हमारी कमेटी ने डिसाइड करा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम प्रैक्टिकल भी करवाते हैं, प्रेजेंटेशन भी करवाते हैं और उनका प्रोजेक्ट भी लिया जाता है। इस एग्जाम में हमने केवल मात्र एक उनका असाइनमेंट लिखित लिया है जिसके माध्यम से बच्चे काफी विद्यार्थियों ने दर्ज कराया कि वो फेल हो गए, तो उनकी हम जाँच करवा रहे हैं। और जैसा कि विद्यार्थियों की समस्या का समाधान एनईपी के माध्यम से नई नई पॉलिसी विश्वविद्यालय और राज्य सरकार और भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर लागू की गई है, उसके तहत पहली बार ये आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसको हमने इम्प्लीमेंट किया है। तो ऐसी स्थिति में कुछ चुनौती आती है, कुछ समाधान उसके भी किए जाते हैं, तो उस समाधान की प्रक्रिया में हम बच्चों के हित में, छात्रों के हित में हम एक नया जो एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी में प्रेजेंटेशन का है और प्रोजेक्ट का है वो लेकर उसका समाधान करना चाहेंगे। ऐसा विद्यार्थियों में असंतोष होता ही है, मार्क्स कम आते हैं, पेरेंट्स के पास उनकी प्रोग्रेस जाती है तो उनमें आक्रोश आना स्वाभाविक है, लेकिन हम छात्र हित के लिए बैठे हुए हैं, छात्र हितों के लिए काम करें। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में विद्यार्थियों को स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने कई पाठ्यक्रम चला रखे हैं, उन पाठ्यक्रमों में उनको स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हम उनके एक स्पेशलाइजेशन जो एरिया है उसमें करना चाहते हैं, जैसे कि आप इनकम टैक्स में हैं, जीएसटी का टैली है, ये सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल होता है। अब कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम भी नहीं दिया है, वो भी इसमें आए तो उनका भी हम थोड़ा रीएवैल्यूएशन करें कि किन लोगों ने डिफॉल्टर के लिए अपना आवेदन किया है, कौन लोग एब्सेंट रहे हैं तो उनका तो हम डिफॉल्टर लेंगे, और जिन्होंने एग्जाम दिया है उनके लिए एक प्रोजेक्ट या प्रेजेंटेशन के माध्यम से इस समस्या का समाधान करेंगे। और इसको हम जैसे कि अभी जो एग्जाम लिया है केवल 20 मार्क्स का लिया था, तो हम इसको डिवाइड करके 10-10 मार्क्स में प्रोजेक्ट और प्रेजेंटेशन के माध्यम से विद्यार्थियों का लिया जाएगा, ताकि उसमें जो विद्यार्थी उत्तीर्ण होंगे उनके मार्क्स उनमें जोड़ के उनकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा।